हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जा रहे हैं चंद्रनाहन, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स। हेलो करो फ्रेंड्स। हेलो हेलो हेलो। ये नाम बोल दो। गुरविंदर नेगी, अभिषेक, बसंत, विशाल, चंद्रशयान, जस देरियान, जस मनोज नेगी, जीतू थोल्टा। कौन साइड? तो गाइस, अभी हम हैं जांगलिक में और यहां से हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी पहली लोकेशन कहाँ पर होगी? कहाँ पहुँचना है हमने? सिंभर। सिंभर सिंभर पहुँचना है हमने। इस वक्त मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के ज्वारा तहसील के जांगले गांव में, जो कि शिमला से लगभग 148 किलोमीटर की दूरी पर है। और हमने यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट किया है जांगले टू चंद्रनाम। तो बने रहे वीडियो में। ये अपने जीतू भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको पहुंचे। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, देखते हैं मैं कितना टाइम लगता है सिमर तक। जांगलिक से हमने ट्रैक स्टार्ट किया है। अगर चंद्रनाहन के बारे में बात करें तो ये बब्बर नदी का सोर्स है, और चंद्रनाहन में 7 झीलें हैं और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। जांगलिक से आधे घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे यहाँ थरंगचुथाच में, और हमने यहाँ थोड़ा रेस्ट किया और हम चल पड़े अपनी लोकेशन की ओर। इस वक्त हम हैं सिमरथाच से थोड़ा सा नीचे। हमने पिछली रात यहीं पर गुजारी अपनी, और अभी हम जा रहे हैं दयाराथाच की ओर। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम पहुँचेंगे सिमरथाच। तो मिलते हैं आप लोगों से सिमरथाच में। और यहाँ का व्यू तो बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। हम सिमर पहुँचने वाले हैं। सिमर पहुँचने वाले चंद्रेश भाई बोलने लायक नहीं है, थोड़ी सी थकान हो चुकी है यार। बारिश बहुत तेज हुई शाम को। तो लास्ट नाइट जहाँ हमने कैंप लगाया था वहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पर ये सिमरथाच है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप लोग कुछ सामान वगैरह लाना भूल जाते हो तो आपको छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर सिमरथाच में मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है। और ये लकड़ी की बनी हुई छोटी सी दुकान सिमरथाच में। तो सिमर में आपकी दुकान है यहाँ पर, है ना? हाँ जी। तो हम दियारा पहुंचने वाले हैं। व्यू बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं। अपने भाई लोग फोटो ले रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आ रहा है ट्रैक में। हम हंसते खेलते नाचते गाते हुए पहुंचने वाले हैं दयाराथाच। और मैं आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा अपनी इस ट्रैक के बारे में। इस ट्रैक का डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही इजी है। अगर आप फिट हो और किसी भी तरह की मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हो तो आप बड़े आराम से पहुंच जाओगे दयाराथाच चंद्रनाहन ट्रैक में। और शूज़ अच्छे डाले, कोई भी ऐसे वैसे शूज़ ना डाले, ट्रैकिंग शूज़ डाले। ये हमारे प्रज्वल भाई और हमारे साथ चंद्रेश भाई और यूट्यूब रोल से अपने भाई शांत बांशा। बांशा जी, हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? दयारा पहुंच रहे हैं अभी। चल चल ये रात दयारा।
तो हंसते खेलते चलते फिरते हुए पता ही नहीं लगा कि कब जसीम दियारा थाज पहुंचिए। और सामने देख सकते हैं आप दियारा थाज, और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसा लग रहा है दियारा थाज। तो बहुत ही मज़ा आया दियारा थाज तक चलते चलते, बहुत ही खूबसूरत जगह, मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है ये, बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा, ऐसा व्यू, ऐसी जगह मैंने आज तक नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में। और यहाँ देख सकते हैं आप सामने ही बर्फ़ और ये छोटी सी नदी जो कि पब्बर में जाके मिलेगी, पब्बर रिवर में। आप लोगों को मैंने बताया था पब्बर रिवर चंद्रनाहन से निकलती है, सोर्स है पब्बर रिवर का चंद्रनाहन। और ये हम नाटी लगाते हुए शाबाश सो गाइस, हम भी इसी जगह पर अपना कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पर पहले से कैंप लगे हुए, ये हमारे फ्रेंड्स ही है जिनके कैंप यहाँ पर लगे हैं, तो हमने सोचा हम यहीं पर अपने कैंप लगाएंगे। और ये हम शुरू कर रहे हैं कैंप लगाना, तो देखिए आप लोग टाइम लैप्स और मज़े लीजिए टाइम लैप्स के। Yeah.
हेलो, तो हम इस वक्त दियारा में और हमने टेंट लगा दिया है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे और व्यू देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का। और यहाँ पर दियारा में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ग्राउंड, ये तीन टेंट हमारे हैं और ये दो ब्लू वाले हैं जो ये हमारे फ्रेंड्स के टेंट है। और ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड दियारा में, यहाँ पर क्रिकेट की गेम चली है अभी, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और सामने देख सकते हैं आप बर्फ। हेलो गाइस, ये हमारा डे थ्री है और अभी हम है रास्ते में लिथम जा रहे हैं हम अभी, और ये बहुत ही खूबसूरत। ये जो सामने व्हाइट कलर की पहाड़ी दिख रही है, बस हमने ठीक वहीं जाना है, वही है लिथम। और 11 बजे चले थे हम दियारा से और अभी 1 बजने वाला है, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर क्या है, घंटा लगेगा अभी कम से कम लिथम तक। तो मिलते हैं आप लोगों से लिथम में, बाय बाय। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लिथम और ये देख सकते हैं आप बहुत ही खूबसूरत जगह, हमने टेंट लगा लिया है और पार बर्फ़ देख सकते हैं आप लोग, छोटे छोटे एवलांच आए हुए बर्फ़ के, बहुत ही खूबसूरत जगह। और अगर आप लोग कभी लिथम चंद्रनाहन आए तो गाइड ज़रूर लाए साथ में, हम लोग तो नहीं लाए और ये रास्ता है चंद्रनाहन के लिए, गाइड ज़रूर लाए क्योंकि आप घूम भी हो सकते हो, क्योंकि हमारे साथ तो हमने गाइड नहीं लाया क्योंकि फ्रेंड्स मेरे बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बार। ये देख सकते हैं आप लोग झरना, पब्बर नदी का झरना है ये बना हुआ है यहाँ पर और ये चंद्रनाहन से आ रही है ये नदी, पब्बर रिवर, बहुत ही खूबसूरत झरना है। वाओ वाओ, मज़ा। हाय जस जस जरियान, क्या बात है ब्रो, सागे आग लगा दी, आग लगा दी। गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ठंडी ठंडी नाइट रही कल और आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। हमारा तीसरा दिन है ट्रैक पे और आज है हम थीम घाटी पे है और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, धूप लगने वाली है, 5:30 बोल रहे हैं सुबह के। आज हम जाएंगे चंद्रनाहन, आप मेरे पीछे वो वाटरफॉल देख सकते हैं, हमें वहाँ ऊपर जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। चंद्रनाहन लेक 3900 मीटर्स की ऊंचाई पर है, उसके पीछे 7 झीले हैं तो हमें वहाँ जाना है। और ये हमारी कैंप साइट, जो ये वाला रास्ता गया ये
बुरान घाटी के लिए, और वो मेरे पीछे इस साइड का, और ये चंद्रनाहन के लिए, राइट वाला बुरान घाटी के लिए और लेफ्ट वाली साइड चंद्रनाहन के लिए है। और बुरान घाटी से होकर किन्नौर भी जाते हैं। बुरान घाटी की ऊंचाई 15,000 फीट है, मैंने सुना है 15,000 फीट है, कंफर्म नहीं हुआ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और ये है हमारी कैंप साइट। हम यहाँ पर अपना सारा सामान वगैरह टेंट वगैरह छोड़ कर जा रहे हैं, और चंद्रनाहन के लिए निकले ही है बस। हम अपने साथ सामान इसलिए ऊपर नहीं ले रहे क्योंकि ऊपर ज़रूरत नहीं है सामान की जो हम यहाँ छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि हमने शाम तक वापस ही आना है। चंद्रनाहन को चले हम कुलविंदर भाई के साथ। हेलो, और हमें पहुंचना है वहां ऊपर। इसको हमारी लोकल भाषा में निनाई बोलते हैं। ये दवाई फोड़ों के ऊपर काम करती है, जैसे गर्मियों में हमें फोड़े आते हैं तो ये उस पर काम करती है। अगर आप लोगों को पता है कि ये दवाई कैसे काम करती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वक्त हम टॉप पे पहुंच चुके हैं और यहीं से शुरू होती है झीलें। इसी रास्ते में हम पीछे जाएंगे और हमें झीलें दिखाई देगी। देखते हैं कितनी झीलें मिलती है ज़रा हमें। कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई जी आपका? अब तो एक्सपीरियंस बहुत हो गया है, पांचवी बार आप है। अब तो रच गया आपका। इधर कोई मौसम का कोई पत्र नहीं, कभी बारिश हो सकती है, कभी पीछे देखो आप। लेकिन अभी तक हमारी किस्मत साफ ठीक है। क्यों अभी तक तो ठीक है, जैसे हम पीछे तीसरी झील बारिश रात को ही हो रही थी। ये हमारे लोकल बापी है, मंटू माम, मंटू माम का पोता। सो गाइस, ये है पहली झील, छोटी सी झील, पहली झील है ये। और रेयान जी और बांशा जी सबसे लास्ट में रह गए थे और ये लोग आ रहे हैं। और ये दूसरी झील हम किसी लेक पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये है तीसरी टेक। हम पहुंच चुके हैं अभी तीसरी लेक के पास, तीसरी झील पे। यहाँ पर स्लाइड है, वह स्लाइड हो सकता है, इसलिए पीछे ही रहे दादा के न जाए। वहाँ पर चौथी
और गाइस ये है चौथी लेक, देख सकते हैं आप लोग तो हम पांचवी लेक के पास पहुंच चुके हैं। पांचवी झील के पास हमारा फोटो शूट चला है। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी झील है और यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बारिश भी हो रही है। और चलते हैं वापस। और यहाँ पर हम लोग नहा रहे हैं चौथी झील में। हम तीन जने सिर्फ, मैं, कुलविंदर और निशांत भाई, हम तीन लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। चल भाई, चल चल चल। हट अभिषेक चल के Thank you.